गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू चैप्टर फ्रॉम जीके। नाउ यू ऑल ओपन पेज नंबर 53। चैप्टर नंबर 34। चैप्टर नेम इज एवरीडे साइंस मीन्स हर दिन विज्ञान। नाउ रीड अ क्वेश्चन अलोंग विद मी। हाउ मच आर यू अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड अस इन आर डे टू डे लाइफ। आपके हर दिन में होने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उसको उससे कितना अवेयर है, जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनसे उनको आप कितना जानते हैं। वी एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स। हम डेली कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जज योर नॉलेज बाय आंसरिंग द फॉलोइंग। आपको अपने आप को जज करना है इन जो नीचे दिए हुए क्वेश्चन से उनके आंसर को देख करके। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज वाटर स्टोर्ड इन अर्थन पॉट्स। जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें हम पानी स्टोर करके क्यों रखते हैं। सो आंसर इज टू कीप इट कूल। यानी पानी को कूल रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो अर्थन हमारे पॉट्स होते हैं उनके अंदर, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनके अंदर हम पानी स्टोर करके रखते हैं। सेकंड इज विच ऑब्जेक्ट कीप्स अस थिंग्स लाइक आयरन नेल्स। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आयरन की जो चीज़ें होती है उसको पिक कर सकते हैं यानी उठा सकते हैं, वो होती है मैग्नेट। मैग्नेट को आप किसी भी आयरन पे, आयरन की कोई भी थिंग्स पे लगाओगे तो वो अपने आप से उसको पिक कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन इज इन विच कंटेनर डज हॉट टी रिमेन हॉट। ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसमें आप अपने जो पानी है, जो गर्म टी है उसको गर्म रख सकते हैं, जो पानी है उसको गर्म रख सकते हैं, तो वो है थर्मस फ्लैक्स फ्लास्क। जो थर्मस फ्लास्क है उसके अंदर हम हॉट टी बहुत समय तक स्टोर वो हॉट रख सकते हैं, पानी भी हॉट रख सकते हैं। फोर्थ इज विच गैस डू वी ब्रीथ इन। यानी हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं यानी कि सांस में अपने अंदर लेते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। फिफ्थ इज विच गैस डू वी ब्रीथ आउट यानी कि बाहर निकालते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज लाइटर क्रीम और मिल्क। मिल्क और क्रीम में से कौन सी चीज़ लाइटर है, लाइटर मीन्स हल्की है, तो क्रीम इज लाइटर देन मिल्क। विच मेटल बिकम रस्टी। ऐसा कौन सा मेटल है जिसको जंग लग जाता है, रस्टी मीन्स जंग लगना, तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको जंग लग जाता है, वो है आयरन। आयरन मीन्स लोहे को जंग लग सकता है। एट इज विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरीज बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए किस मेटल का हम यूज़ करते हैं, वो है गोल्ड। सिल्वर भी होता है, यहाँ हम लिखेंगे गोल्ड क्योंकि गोल्ड इसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन विच कंपार्टमेंट ऑफ अ फ्रिज डू यू कीप वाटर इन ट्रेस फॉर आइस क्यूब्स। ऐसा कौन सा कंपार्टमेंट है फ्रिज का जिसके अंदर हमारे वाटर को हम आइस क्यूब्स की तरह बना सकते हैं, फ्रिज कर सकते हैं, वो है फ्रीजर। ऊपर वाला जो अपार्टमेंट होता है अपना फ्रिज का, उसे हम फ्रीजर कहते हैं, और उसके अंदर जो हमारा पानी उसको हम फ्रीज कर सकते हैं। टेंथ है एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर फ्रीज। कितने टेम्परेचर पे जो हमारा पानी है वो फ्रीज होता है, तो आंसर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो पानी होता है वो फ्रीज हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो वाटर है वो उबलना स्टार्ट होता है, बॉइल करना स्टार्ट होता है। सो चिल्ड्रन यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक एंड नोटबुक ऑल्सो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।